Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition, presented by Coca-Cola. Brought to you by Zameen.com, who have the largest property portal in Pakistan and of course the 5th largest in the world. They've joined hands by getting the buyer and the seller on the same portal for convenience. And then of course they started in 2006 from a very humble beginning, and today, as I said earlier on, they are the biggest property portal in Pakistan with over 30 million postings on their portal. Our transmission partners, well, they are none other than Marina Sport City, a product of Al Jaleel Developers, who again have built the biggest, I'd say, you know, block of flats where they have the biggest sporting center in Lahore, boasting of cricket grounds, hockey grounds, tennis courts, and you name it, and they've got it all there. And that is the reason it is the biggest sporting complex and it is known as Marina Sports City. And of course, they're also partners with Lahore Qalandars, who are playing today as their official, I'd say, you know, backers. And then, as I'm told, that when the facilities are completed, they'll be playing all the games here. Our sponsors, Allpers. Aaj ke match pe chalte hain, lekin main sabse pehle aaj Marina Sports City quiz ye hum aapke samne leke aate hain. वन डे इंटरनेशनल्स में मिसबा उल हक ने कितने रन्स बनाए हैं, ये सवाल है. वन डे इंटरनेशनल्स में मिसबा उल हक ने कितने रन्स बनाए, ये आपने इसका जवाब देना 0317-2424-045. अब बात आती है जी आज के मैच की. स्किपर, देखना तो ये है पहली बात कि आज विकेट किस तरह की इन्होंने बनाई है. इतना इम्पोर्टेंट मैच है, डू एंड डाई वाला. अगर हम दोनों टीमों को देखें, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछला मैच जीत के आई है ऊपर, और उनका स्टर्लिंग जो है ओपनिंग बैट्समैन जो था वो भी वापस आ गया है, तो उसके आने से बड़ा बहुत अच्छा खेला, यू नो. उसके बाद आजम खान, यू नो, प्लेड वेल, यू नो, द सेकंड ग्रुप, जिस तरह उसने छक्के वक्के मारे आके. और इनकी टीम मुझे प्रेजेंट सिनेरियो में बेहतर लग रही है मुझे आज, इसके स्टर्लिंग के आने से. स्टर्लिंग के आने से, हाँ, इनके चार पांच लड़के हैं, ऑल ऑफ देयर इज द पीकिंग एट द राइट टाइम, और ये कर गए हैं पीक एट द राइट टाइम. लाहौर कलंदर डिपेंडेड ऑन फखर जमान, ये अगर करता है तो फिर उनका कोई ये 60-70 करता है तो फिर इनके असारात ऐसे पैदा होते हैं कि ये अब तक हमने देखा बड़ी मुश्किलों से जाके 160-165 हो रहे हैं, यू नो. वी ऑलवेज सी गेम 15-20 रन ये शॉट होते हैं, पहले 11-12 ओवर में जाके इनका 100 होता है, बाकी जो 8 ओवर होते हैं बाकी के उसमें जाके ये 50-60 करते हैं. तो आज आई होप के अगर विकेट अच्छी हो तो फिर ये कि यू कैन से के दोनों टीमों में इस तरह के लोग हैं जो कि सिंगल हैंडेडली 180-190 की तरफ जा सकते हैं. तो आई पर्सनली फील अगर आज स्टर्लिंग खेलता है, न्यूज़ तो यही है, then Islamabad United have a better chance winning today. Skipper, वो तो वही वो कहावत है ना, वो पुरानी अंग्रेजों की कि if my aunt was wearing a suit, you know, she would be my uncle. तो ये तो ifs and buts तो क्रिकेट में होंगे. मुझे लगता है, I'm quite sure, you know, in my thinking, I'm very clear in my thinking. You think so? I think. क्यों जी सलीम? नहीं, वो मेरा ख्याल खेल तो रहा है आज, क्योंकि आया इसीलिए है. अगर ना आता वो उसको ना तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म कर दिए, हाँ, तो वो खेलेगा ज़रूर. और देखें, इनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी थ्रू आउट, जैसे ही दो प्लेयर बाहर हुए थे तो उसके बाद तो ये टोटली स्ट्रगल कर रहे थे, और हम लोग कहना शुरू हो गए थे कि यार शायद ये बाहर ना हो जाए, मगर दो प्लेयर्स के आने से उनकी टीम का मोराल एकदम फिर वापस, देखें ना, क्रूशल मैच वो जीते. तो स्टर्लिंग के स्टर्लिंग के आने से इनकी टीम डेफिनेटली बहुत बेहतर खेलेगी. जैसे स्किप ने कहा कि राइट टाइम पे वो उनके प्लेयर स्कोर करना भी शुरू हो गए. आज़म ने कल 2-3 छक्के ऐसे मारे क्रूशल टाइम पे, तो उनकी टीम तो बेहतर है. लाहौर कलंदर का अगर हम करें मुवाजना, तो फ़खर ऑब्वियसली वो स्कोर नहीं करता तो ये स्ट्रगल करते हैं, मगर थोड़ा सा डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपने अपने रोल्स. देखें, हफीज़ जैसे हम मलिक की बात करते हैं, कल भी की थी मिसबा ने भी, कि वो उसको पता होता है कि यार मैंने जाके टीम को लेके चलना है, ऐसा ही रोल हफीज़ का होना चाहिए.
कि हफीज़ पूरे टूर्नामेंट में आप देखें वो आके तो बहुत जल्दी कर रहा है, आके हिट मारता है और आउट होके बाहर चला जाता है। उसको देखें, उसको ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं पाकिस्तान का मेन प्लेयर था, इस टीम का भी प्लेयर मेन प्लेयर हूँ, हम उसको काउंट करते हैं कि यार ये अच्छा प्लेयर है, उसको टीम को लेके चलना चाहिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दे ताकि उसकी टीम को फ़ायदा हो। क्योंकि लाहौर कलंदर की बैटिंग टोटली फ्लॉप हो रही है, 160 चेज नहीं होता जैसे कल नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। इसी तरह बॉलिंग में अगर आप आ जाएँ तो शहीन वाहद बॉलर है जो लाहौर कलंदर से, सब कहते हैं जी लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, सफाए शहीन के या नीचे लेग स्पिनर उनका जो है वो बेहतर बॉलिंग कर रहा है, अदरवाइज स्ट्रगल कर रहे हैं। रऊफ हर मैच में 9 की एवरेज से दे रहा है, जितने मैच भी खेले हैं उसने 9 की एवरेज से स्कोर दिया है। उसको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने हर बॉल बाउंसर पे आउट नहीं होता बॉलर, हाँ आप बैट्समैन को ज़रूर रीड करें, अगर जो पिछली बॉल पे जैसे आज़म थोड़ा सा हिलता है पिछली बॉल पे, आप उसको ज़रूर करें, मगर आपने आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने जाके यार स्कोर रोकना है। अगर आप स्कोर 9 की एवरेज में देंगे तो दूसरी टीम को कोई परेशानी नहीं होगी ना, वो तो करते जाएंगे 9 की एवरेज से, या तो आप 3-4 आउट करते हो ना को समझ आए कि यार स्ट्राइक बॉलर है, आउट करने के लिए स्कोर भी दे रहा है। तो थोड़ा सा इनको अपने अपने रोल डिफाइन करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये लाहौर कलंदर जैसे मुसलसल ये जब हारती है ना तो ये 3-4 मैच इकट्ठे हारती है, आज डू एंड डाई है। तो मेरे ख्याल हर बंदे को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉलिंग करनी है, बैटिंग भी करनी है, उसी के मुताबिक, ये नहीं करना कि जाके जो बग़ैर सोचे समझे जो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि लगे हुए हैं एक ही चीज़ पे, ये जितना टूर्नामेंट हुआ है। बहरहाल इस्लामाबाद की टीम 2 प्लेयर्स के आने से, ये तो वैसे पिछले पूरे टूर्नामेंट में ही बाहर के लोग ही अच्छा कर रहे हैं सिवाय हमारे चंद प्लेयर्स के, तो लाहौर कलंदर मुझे बेहतर नज़र आती है। लेकिन मिस्टर एक जो चीज़ है जो एक वरी है बहुत बड़ी इस्लामाबाद के लिए वो है उसकी बॉलिंग, आई मीन ठीक है बैटिंग में आगे हैं बट यू नो द बॉलिंग इज अ इस्लामाबाद। आई थिंक प्रीवियसली पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल किया है इस्लामाबाद ने, कल थोड़ी बेहतर लगी है बॉलिंग, वो इस वजह से कि सडनली जब हसन अली ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है तो ये ओवरऑल लगा कि एक अच्छा बॉलिंग यूनिट है, और फहीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, शादाब जहाँ उसने ख़त्म किया था उसी कॉन्फिडेंस से उसने आके उसी तरीके से बॉलिंग की, नो डाउट कि एक ओवर उसका कैश कर गया मलिक और हुसैन तलत, मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे किसी फास्ट बॉलर को यूटिलाइज़ करना चाहिए था शादाब को, क्योंकि वो ओवर लग रहा था कि इस ओवर में वो चांस लेंगे, बट ओवरऑल तीन बॉलरों के खड़े होने की वजह से उनकी बॉलिंग टोटली डिफरेंट बॉलिंग नज़र आई। अभी तो लियम डॉसन को कम यूज़ किया उन्होंने क्योंकि लेग स्पिनर से ज़्यादा ओवर कराया उन्होंने, जाहिद को यूज़ किया, अदरवाइज लियम डॉसन ने उससे पिछले मैच में पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, विकेट्स भी एक ओवर नहीं करो जी फहीम का ओवर, वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे इवन मेरे ख्याल में अतर महमूद का ओवर करा सकते थे क्योंकि दोनों वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं मलिक, और उन्होंने मलिक और हुसैन तलत तो उन्होंने 2-3 ओवर खेल लिए थे और सेट कर लिया था उन्होंने कि अब इस ओवर में उन्होंने चांस लेना है, मे बी शादाब के जहन में कि चांस लेंगे विकेट ले गया तो हमारे लिए और फ़ायदा हो जाएगा, बट ओवरऑल आई थिंक ये ज़रूर देखना पड़ेगा लाहौर कलंदर्स को, अगर ये रन कर जाते हैं इनके टॉप ऑर्डर में, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस्लामाबाद अभी भी अपने टॉप ऑर्डर पे, दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों पे, शाहीन ब्रिंगिंग द बॉल इन स्टर्लिंग को लेग बिफोर कर सकता है अगर स्टर्लिंग खेलता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर पटेल को भी ये यूज़ कर सकते हैं, तो इनके पास चांसेस हैं, हारिस रऊफ को भी एक आधा ओवर ऊपर नए बॉल से करा सकते हैं, बट अर्ली पहला या दूसरा सोचना हमको पड़ेगा कि हमने विकटें लेनी है, ऊपर से हमने 2 आउट करने हैं, अगर पार्टनरशिप लग गई ऊपर से आपने ये सोचा कि हम ओवर निकलवा लें इसको करवा लें इसको, विकेट टेकिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ऊपर से अगर आउट करेंगे तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद भी प्रेशर में आएगी क्योंकि लोअर मिडल ऑर्डर उनका तभी स्कोर कर रहा है जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अर्ली अगर वो अंदर आ जाते हैं तो उनके लिए भी मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड हफीज़ की अभी बात की थी सलीम भाई ने, मसला ये है कि फ़ख्र जमान के अलावा अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हफीज़ सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं,
एंकर का रोल करते हैं, थोड़ा टाइम चाहिए। हफीज़ ने उन्हीं मैचों में रन्स किए हैं जहाँ उसको थोड़ा टाइम मिला, 15 से 20 बॉल। लेकिन हो क्या रहा है कि वो ऐसी स्टेज पे आते हैं कि जहाँ पे फ़ख्र थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है या कोई दूसरा प्लेयर, तो उनको राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल जब अटैक करना पड़ता है उनको वो टाइम नहीं मिलता, ही गेट्स आउट। तो ये थोड़ा सा आपको कंप्लीमेंट करना है एक दूसरे को, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा इस तरीके से रखें ताकि वो जो प्लेयर है उसको उतना टाइम मिले। अगर उसको वो रोल दिया है तो उसको टाइम मिले, और थोड़ा टाइम ले के वो जब खेलेगा तो वो इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट हो जाए। बिल्कुल। चलें जी, मिसबाह उल हक के नेशनल में कितने रन से हमारे पास साद अली हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल आपका और सबका जो इधर बैठे हैं मौजूद, क्या कहेंगे साद? सर 162 वनडे इंटरनेशनल के और 500 मिसबाह उल हक के। वेरी गुड, ये तो आपने जबरदस्त जवाब दे दिया। आपको ये मरीना स्पोर्ट्स सिटी की तरफ से एक जबरदस्त टी शर्ट मिलेगी जो कि क्रिकेट शर्ट है, और ये हम आपको ऑटोग्राफ करके, तीनों जो कप्तान हैं हमारे इनसे ऑटोग्राफ करके आपको हम भेजेंगे। अपने कॉन्टैक्ट्स आप दे दीजिएगा। मैं दूसरा सवाल भी आपको बता देता हूँ कि हाईएस्ट टीम टोटल पाकिस्तान टीम का वन डे इंटरनेशनल ये किसका, ये कितना है इसका, ये बताना है आपने। हाईएस्ट टीम टोटल ये आपके स्क्रीन पर भी आ गया है, एक रोज़ा मैचेस में पाकिस्तान सबसे ज्यादा स्कोर कितना है, यह है मरीना स्पोर्ट्स सिटी क्विज की तरफ से यह सवाल, और इस पे आपको एक जबरदस्त एक मिलेगी एक जो ऑफिशियल जो इनकी जो शर्ट्स हैं जिसकी लाहौर कलंदर की, ये मिलेंगी। ये एक तो होता है ना कि वैसे ये ऑफिशियल है, सो आपके पास एक जेन्युइन एक चीज आएगी। अच्छा जी, एक इस मैच पे चलते हैं। लाहौर कलंदर ये पिछले दोनों मैच जीते हैं इस इवेंट के अंदर, ओके। स्टर्लिंग भी आ गया यूनाइटेड के अंदर, ठीक है फाइन। बॉलिंग वरीज बता दिया मिसबाह ने। क्वेश्चन आता है एक जो पॉइंट अभी मिसबाह ने रेज किया है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अब तो डू एंड डाई वाला काम है ना, सो आपको एक बड़ी फाइन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आगे। वो एडजस्टमेंट मैं, अगर मैं कप्तान हूँ तो मैं हफीज़ से करवाऊँगा कुछ, उसमें इतनी एबिलिटी है अभी तक, तो आई डोंट थिंक ही हैव डन जस्टिस टू हिमसेल्फ। और वो उसे करवाए नहीं ना गए, यही मैं कह रहा ना, वो एक ऐसा प्लेयर है जिस तरह शुएब मलिक अपना रोल अदा करता है, अगर स्टर्लिंग और हेल्स ओपन करते हैं तो मैं तो पहला गेंद ही इसको पकड़ा दूँ, नया गेंद, एंड आई विल टेक दैट चांस विद हिम। हो सकता है क्योंकि एक तो ये है कि इसकी लाइन बड़ी सही है, गेंद ब्रेक होना नहीं है, स्किट करना है, ही ऑलवेज हैव अ चांस ऑफ गेटिंग हिम आउट। और बैटिंग में भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत जल्दी कर रहा है, यू नो वो है कि अगर थोड़ा वो थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो चौके छक्के मार सकता है। उसकी इस टूर्नामेंट शॉट सिलेक्शन भी कुछ सही नहीं रही, तो आई थिंक ही कैन प्ले अ वेरी पिवोटल रोल फॉर लाहौर कलंदर। लेकिन सलीम, जिस तरह हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, जहाँ इसको वर्ल्ड कप में भी इसको टाइम मिला है, इसने खेला है, लेकिन ये वहाँ आउट हुआ है कि जहाँ चारा कोई नहीं था। नहीं देखें, अगर तो सिचुएशन डिमांड करती है कि आपने जाके एवरेज, जैसे हम कहते हैं कि 10 की एवरेज या 12 की, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपने टीम के लिए खेलना या आप इंडिविजुअल खेलेंगे कि मैच हरवा के आ जाएंगे। जैसे पिछले मैचों में हम देखते रहे, कुछ लोग अपने लिए खेले, मैच जीतने के लिए गए नहीं। अगर हफीज़ देखें, उसको टाइम लेना पड़ेगा थोड़ा सा, बेशक फ़ख्र अगर टाइम ले रहा है, मगर फ़ख्र फिर भी तेज़ खेलता है, वो आपको मौका देता है सामने बैट्समैन को कि वो उसको टाइम मिल जाए। हफीज़ को अब मलिक जब जिस सिचुएशन में आता है, उस वो भी तो टाइम लेके खेलता है ना, वो स्टार्ट करता है सिंगल से, अपनी इनिंग बनाता है 15-20 रन्स करने के बाद वो शुरू होता है बड़ी हिटें, तो हफीज़ को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वाहद है प्लेयर जो सीनियर प्लेयर है उनका, जिसको टीम को ले कर चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा एक दो ओवर के लिए ज़रूर ये सोचना पड़ेगा कि यार मैंने सेट होना है, क्योंकि वो सेट होने का मौका नहीं देता, वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल वो आगे चला देता है, जो कि शायद उसको कोई ज़रूरत भी नहीं होती। पिछले मैच में भी उसने यही किया, हर मैच में तकरीबन यही कर रहा है कि वो आगे चला देता है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं जैसे मैंने कहा कि हर बंदे को ये सोचना पड़ेगा
कि यार हमने जो रूल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली बॉलिंग करनी है, कोई हमने आके पागलों वाली हरकतें नहीं करनी कि इधर बॉल कर दिया उधर कर दिया, लाइन पे बॉल करें। और मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर की बॉलिंग ऐसी है, अगर वो एक लाइन पे बॉल करे, मतलब पागलों वाली हरकतें ना करें कि एक बाउंसर कर दिया एक बाहर कर दिया, तो चांसेस उसके भी हो सकते हैं, मगर होगा नहीं क्योंकि रऊफ ने उसको आप वो कोल के भी प्या दोगे ना, उन्हें आगे बाउंसर मारना ही मारना है एक शॉट के बाद, तो ये ज़रा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा जो आप बात कर रहे हैं ना, लाहौर कलंदर के पास जो रिसोर्सेज हैं मुझे लगता है थोड़ा इनको पावर प्ले में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे फ़ख्र जमान अब्दुल्ला शफीक अगर जाते हैं और अगर जल्दी विकेट गिरती है तो फिल सॉल्ट आइडियल प्ले पावर प्ले को यूटिलाइज़ करता है और नीचे वो वेस्ट हो रहा है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखें यार कि अगर पहले एक दो ओवर्स में विकेट गिरती है तो हम पावर प्ले में फिल सॉल्ट को यूज़ करेंगे, और अगर थोड़ा सा पार्टनरशिप लंबी हो जाती है और 6 ओवर वो खेल जाते हैं, स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, देन यू कैन ऑलवेज सेंड हफीज़ कि उसको टाइम भी मिले वो मैच भी नहीं, क्योंकि कामरान गुलाम को वो टाइम मिल रहा है बट ही इज़ नॉट बेसिकली डिलीवरिंग। वो टाइम ले लेता है 15-20 रन करता है और फिर वो ब्लॉसम नहीं करता वो जो इनिंग चाहिए उनको कि 15-20 को कन्वर्ट करे 50-60 में। हफीज़ ऐसा प्लेयर है कि अगर वो सेट हो जाएगा टाइम ले लेगा ही कैन विन यू अ गेम, और प्रेशर में वो ऐसा खेलता है, लेकिन जाते ही उसको जब आप 10-12 ओवरों के बाद भेजते हैं वहाँ तो टाइम ही नहीं होता, वहाँ आपने जाते ही जो है ना वो 11 की ओर 11 की। कोई भी जो लाहौर कलंदर के ऊपर वाले बैट्समैन है फ़ख्र के अलावा, आप देखो 8-9 मैचेस हो चुके हैं, कोई बंदा भी ने अभी तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया 10-15-20, तो इसका मतलब है कि इनको सोचने वाली बात। और दूसरी जो एक और चीज़ है सलीम भाई कि जब आप इतने रिजिड हो जाते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में तो अपोजिशन के लिए बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए प्लान करना, उनको पता है नंबर 3 पे इसने आ रहा है नंबर 4 पे, वो अपने ओवर्स को उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे सिचुएशन के मुताबिक तो उनको मुसीबत पड़ेगी, फिल सॉल्ट कहाँ से आ गया, सडनली 6 ओवरों के बाद हफीज़ आ जाता है, उनको चेंज करना पड़ेगा अपना प्लान। मगर मिसबा ये पिछले 9 मैचों में अभी तक ये इन्होंने ये नहीं सोचा, तो मुझे नहीं लगता कि ये 10वें मैच में इस किस्म की कोई प्लानिंग करेंगे क्योंकि इनकी उतनी सोच है ही नहीं। होगी प्लानिंग कोई नहीं, आई एग्री विद ये जो दोनों कह रहे हैं बिल्कुल सर जी ने, आपने एक आपके पास एक ऐसा प्लेयर है उसको आपने यूटिलाइज अभी तक सही नहीं किया, यू नो उसकी आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बताने में भी आपको पता है, तो उसको आज हफीज़ को करें यूटिलाइज, यू नो गिव हिम अ कॉन्फिडेंस, बात करें कि ठीक है। इजंट इट अ बिट टू लेट बिकॉज़ यू सी जब वो आया था हमारे पास से सर, एक सही बात करी एक सही वक्त पे, यू कैन डू वंडर्स विद प्लेयर्स, यू नो थोड़ा उसके आप एग्जांपल ले लेना, हमने भी तो मेन मैचेस में जाके 2009 में लैला को नंबर 3 पे किया था सेमीफाइनल एंड फाइनल, और वो दोनों पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल और फाइनल जिता दिए शाहिद अफरीदी ने। सो नीचे रन नहीं हो रहे थे, वो खुद आए उन्होंने बात की थोड़ा सा, हमने भी सारा उन्हें बैठ के मशवरा किया यार नीचे तो मैं जाया और मेरे से रन नहीं हो रहा, 3 पे चांस ले लो मैं करूँगा तो टीम को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, नहीं करूँगा तो मैं नीचे भी नहीं कर रहा था। तो आई थिंक दैट जस्ट लेकिन एक टीम जो आपने बात की साइकोलॉजिकली, अब कई मैचेज हैं आप भी खेले हुए हैं कि जिसके अंदर हम स्किटल आउट हो जाते हैं पर्टिकुलरली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, याद है आप? बिल्कुल होते हैं बिल्कुल, मगर ये देखें जैसे अभी मिसबा ने बात की ना, अब वर्ल्ड कप का ले लो 92 में इमरान खान खुद वन डाउन चले गए थे, मतलब कि जाके यार मैं बाई लूँगा, और ये होता है कि आपको चेंज करना पड़ता है टाइम के साथ, और ये उसके लिए कप्तान का थोड़ा सा यू नो ब्रेन। ये दरअसल दोनों जगह से पहले ये इसके बाद मैं बड़ी लंबी चौड़ी मैंने इमरान से मीटिंग की एंड आई सजेस्टेड हिम कि देखो अगर तुम नंबर 3 जाओगे तो एक तो लड़के तुम्हारी नज़र में रहेंगे, कोई गोले शॉट नहीं खेलेगा तो साचा चले कोई बोंगी नहीं मारेगा, और यू आर इक्वली गुड बैट्समैन तो क्यों नहीं नंबर 3 जाते थे, जैसे बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, मैंने कहा नहीं यू नो यू शुड गो, आई एम ग्लैड कि ही एक्सेप्टेड कि हाँ चीज जाना, दोनों जगह गया और स्कोर किया दोनों में जो अगर स्कीपर इसमें ना सीनियर्स प्लेयर्स जो होते हैं ना जैसे हफीज़ हैं या जो भी सीनियर प्लेयर हो उसको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, बैठ के मीटिंग जैसे मीटिंग होती थी उसमें बात करते थे कि यार ये प्लान करना चाहिए हमें,
जैसे मिसबा ने भी कहा सॉल्ट वगैरह को अगर आपने यूज़ करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। आप भी देखें पिछले 9 मैच से वो एक ही चीज़ बात होनी चाहिए कि चेंज हो सकता है ये। बिल्कुल जी, चले जी एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हाईएस्ट टीम टोटल ऑफ पाकिस्तान टीम इन वन डे इंटरनेशनल्स ये कितने हैं ये आप हमें बताइए, कॉल्स कीजिए ब्रेक में भी आप अभिषेक कॉल कीजिए हमें बताइए, और फिर जिसका सही जवाब होगा उसको लाहौर कलंदर की मरीना स्पोर्ट्स सिटी क्विज की तरफ से एक ज़बरदस्त टी शर्ट मिलेगी। हमारे साथ रहिए आप मिल PSL क्रिकेट हंगामा 7th एडिशन। आप लोग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, फिर आप अपनी तस्वीरें भी भेजते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि जो लास्ट विनर्स हैं 4-5 इनकी तस्वीरें हम आपके सामने दिखाते हैं। पहली तस्वीर है जी अरहाम की, लाहौर से हैं ये, और वेल डन अरहाम, वेल डन अरहाम। और ये दूसरी है अर्शिया एंड माहिद, ये दोनों बहनें मेरा ख्याल इनके पास भी ये बैट पहुंच गया है। और आगे हम हारूनाबाद से मोहम्मद अवैस, ये हारूनाबाद से हैं, इनको भी बैट मिल गया ये, वेल डन। एंड देन खानेवाल से हैं राना जुहेब, ये राना जुहेब है खानेवाल से, वेल डन राना, आपको मिल गया ये। एंड देन ऑफ कोर्स शबीर अहमद अंजम, ये हैदराबाद से हैं, शबीर वेल डन, ये आपके सामने बैट भी आ गया आपको हैदराबाद में। तो ये जो विनर्स होते हैं हम इनको देते रहते हैं बैट्स। और अगला सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ मेनी टेस्ट सेंचुरीज हैज़ सलीम मलिक स्कोर्ड, इसका हमें बताइए सलीम मलिक ने कितनी सेंचुरीज अभी तक बनाई हैं। और हाईएस्ट टीम टोटल ये भी आपने बताना है, पाकिस्तान टीम का ये किसके खिलाफ था और कितना था। तो ये दोनों सवाल हैं, इसका जवाब हमें दें। टी शर्ट्स ये ऑफिशियल लाहौर कलंदर की और ऑफिशियल टी शर्ट्स हैं ये हम आपको देंगे। अच्छा जी, हमने बात की थी कि टीम स्किटल भी हो जाती है। एक मैच हुआ था 93 में आज के दिन, और इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को लोएस्ट टोटल पे आउट कर दिया। कितना था लोएस्ट टोटल? 40 कुछ था। आप खेले थे इस मैच में? 43 था, वो था उधर केप टाउन में। वेरी गुड, ये फुटेज है जी। आप ये सोच रहे थे कि यार मैं किसी तरह बच जाऊं। हमने इसको लंदन में दिखाया था और वहाँ कॉमेंटेटर्स आसिफ इकबाल, फरूक इंजीनियर, हम सब बैठ के कह रहे थे ये हो क्या रहा है इस विकेट के ऊपर। जी वो इतनी डेंजरस थी कि बंदा कह रहा था कि यार मैं अंदर बैटिंग करने क्यों आ गया हूँ। या बॉल अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ या बॉल ऊपर से जा रही थी, आप देखो सारे इधर आउट हुए, आगे वाले बॉल पे उठ रही थी बॉल। आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह की थी ये विकेट काबिल नहीं थी? कंप्लेंट की थी, बहुत कुछ किया था, मगर उन्होंने किसी ने वो हुआ ही नहीं। हालांकि ये मैच बंद हो जाना चाहिए था। ये विकेट जो है ये बहुत आला विकेट है ये इधर बाउंड्रीज की। इधर मैच आज का करवा दें। केप टाउन कह रहे हैं आप? केप टाउन वांडरर्स केप टाउन में है ना? नहीं, न्यूलैंड है केप टाउन। न्यूलैंड है तो उसको वो केप टाउन में है ना? वांडरर्स इज बेसिकली जो वो उधर है, ये इसके अंदर न्यूलैंड है। हां सॉरी, यू राइट, न्यूलैंड है ये। मैं भी खेल के आया उधर यार, आप प्रैक्टिस भी नहीं है इसके पर, आप जाके यू कैन डू अ लॉट। चलिए हमारे पास एक रिपोर्टर आए हैं जिससे कदाफी स्टेडियम के बाहर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शबाज, क्या यहाँ क्या गहमा गहमी है, क्या क्या रिपोर्ट आप दे रहे हैं हमें? लोग आ रहे हैं, लोग खासी जो अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 9 लोग तो लाहौर की सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अंदर क्या होता है जाके, अभी तो मैच शुरू होगा तो। अच्छा, और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? लाहौर है तो फिर लाहौर की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजाम है लोगों को यहाँ से, सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजाम है, यानी कि लोगों को यहाँ से ये बाहर वाला जो गेट है ना छोटा राउंड अबाउट लिबर्टी का, वहाँ से वहाँ तक लेके आती है शटल, उसके बाद यहाँ से चार जगह चेक होते हैं आप अंदर जाने से पहले। वेरी गुड, और जो ट्रैफिक कंजेशन की बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ये कैसी हैं आज? ये जब टीमें मूव करती हैं उस वक्त लाजमी बात है, क्योंकि रूट बंद करते हैं एक से पूरा, तो उस वक्त तो वो होती है आधा पौना घंटा, आपको पता है जब जैम होती है तो फिर आधा पौना घंटे का मतलब घंटा डेढ़ घंटा गुजर जाता है इसी तरह। और लोग टीम्स मूव करती हैं यहाँ से पूरा रूट बंद कर देते हैं। ओके, और जो लोग हैं ये खुश हैं SPSL से?
जी जी बिल्कुल, लोग बड़े खुश हैं। वेरी गुड, थैंक यू शहबाज, आपसे हम दोबारा रिपोर्ट्स लेते रहेंगे। अब यहाँ ऑब्वियसली ट्रैफिक का एक अच्छी न्यूज़ है कि ट्रैफिक इज़ गुड। नेचुरली जब आपकी मूवमेंट होती है तो आप बंद कर देते हैं सब कुछ। आप स्टेडियम के अंदर वालों से ना पूछें, जो बाहर खड़े हैं ट्रैफिक में उनसे पूछेंगे ट्रैफिक की क्या सूरत है। नहीं, वो तो आई कैन इमेजिन, वो तो काफ़ी बुरी होती है उधर, यू नो रिगार्डलेस। स्पेशली जो वहाँ रहते हैं ना LCCA के दूसरी साइड पर, FCC की साइड पे, वो आपने देखा होगा वो जी एक खातून आई थी, ये प्रोग्राम खत्म करके ना जरा MM आलम रोड पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसका अगला प्रोग्राम फिर कल ही करेंगे। तो फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया कि कितनी बुरा हाल है, कि मतलब ये होना चाहिए कि जब टीम चली जाए फिर ट्रैफिक खोल देनी चाहिए। नहीं, खोल देते हैं मेरे ख्याल में, बट वो यही कह रहे हैं कि आधे घंटे के लिए रुकता है। हाँ, तो वो उसका जो बिल्डअप बड़ा बिल्डअप होता है वो तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता है। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं आखिरी सेगमेंट में। लाइटर मोमेंट्स हैं या सीरियस मोमेंट्स होंगे ये आपको बताएंगे बाद। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, द सेवेंथ एडिशन। कॉम्पिटिशन हमारा साथ साथ चल रहा है, बातें भी हो रही हैं क्रिकेट की, आगे क्या होगा, विकेट से भी आपने देख लिया। उमर है हमारे साथ लाहौर से। जी उमर, क्या जवाब है आपका? जिम्बाब्वे के खिलाफ 399। वेरी गुड उमर, आप ये जीत गए। ये टी शर्ट ये आपको मिलेगी और ऑटोग्राफ हो के आपको मिलेगी, और अपने सिर्फ आपने कॉन्टेक्ट लिखवाने हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर। वेल डन। अगला सवाल, कितनी टेस्ट सेंचुरीज हैं सलीम मलिक की? कितनी टेस्ट सेंचुरीज हैं सलीम मलिक की, ये आपने हमें बताना है। आपने नहीं हमें बताना क्योंकि आपको याद है। नहीं याद? ओ, ये तो फिर स्किपर कितनी है इनकी? बोल नहीं सकते ना, बताना नहीं आपने। क्योंकि आपने बताया तो फिर आपने घबराना नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये बताएं, अब आज के प्रोग्राम बड़ा थोड़ा टाइम है, कौन जीतेगा आज? फेवरेट कौन है? आई फील के यूनाइटेड। आई थिंक सो। कौन सा? मैनचेस्टर के यूनाइटेड के इस्लामाबाद? क्यों जी? मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों जी? इस्लामाबाद फेवरेट है। चले जी, ये देख लें, हमारे तीनों तबसे निकार ने कहा है कि तीन, ये तीन जो टीम इन्होंने कहा है कि यू नो ये जीतेंगे इस्लामाबाद। लेट्स वेट एंड सी। लेकिन हमारे ये जो व्यूअर्स हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं, इनसे हमने एक ज़रा एक छोटा सा सर्वे किया, ज़रा ये देखिए आप। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही हूँ और शादाब खान से बहुत उम्मीदें हैं हमें, इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड को, वो अच्छा लीड भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी टीम जो है ना वो हमें